कटिंग में ले लेंगे तुम्हें फटाक से हाथ। अरे अरे बेटे, और बस पिला दे सीधा। मैम आइए आप आगे फटाक से सबको हटाते हुए। ये देखा पी लिया पानी उन्होंने क्या? मैम आप ले लो सर गोद में। कंटिन्यू सर हाथ रखा दिल के पास आपने, पूरी बॉडी तड़प गई। खड़े हो जाओ विनीत्री। और ये हमारी विनती नहीं है, देवगढ़ की रानी सब का आदेश है जो सबको मानना पड़ेगा। चार मारो चार, मार वाइट वाला चार। ध्रुव और डोली की शादी हो रही है, सभी लोग महल में मौजूद हैं। ध्रुव और डोली की शादी की रस्में शुरू होती हैं। तारा ये सब बैठकर चुपचाप देख रही होती है। पंडित जी जैसे ही ध्रुव और डोली को फेरे लेने के लिए कहते हैं, उसी वक्त सूर्य प्रताप रस्मों को देखने के लिए आगे बढ़ता है और बेहोश हो जाता है। सभी लोग सूर्य प्रताप को बेहोश देख शॉक हो जाते हैं। सूर्य प्रताप को इलाज के लिए ले जाया जाता है। दरअसल तारा ने ही ध्रुव और डोली की शादी रोकने के लिए सूर्य प्रताप को दवा दी है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तारा का प्लान कामयाब हो जाता है और वो कहती है कि सूर्य प्रताप की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में ध्रुव और डोली की शादी नहीं हो सकती। मानसिंह तारा को रोकते हुए कहता है कि ये शादी तो होकर रहेगी, क्योंकि सूर्य प्रताप ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। अब क्या करेगी तारा, कैसे रोकेगी ध्रुव और डोली की शादी? एक्शन। तारा देखा, और ये देखा सर को चक्कर आ रहा है, चार झटकाल का चक्कर आ रहा है सर को। सर गिरे। और सर गिरे। और जाओ भागो सब लोग। देखा पानी 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 लाओ। And action, 1, 2, 3 उठाओ। आना लेके मैं आप ही आएंगी।